जिला बिलासपुर के चंगर क्षेत्र में सरकारी मेला बस्सी बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गया। ये सहकारी मेला 16 नवंबर तक चलेगा। इस मेले का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने रिबन काट कर किया। इस मेले के दौरान जहां पर कृषि विभाग, बागवानी विभाग, मत्स्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए इस मेले के दौरान ये प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। वहीं मेले के शुभारंभ अवसर पर बच्चों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा इस मेले का मुख्य आकर्षण खेल कूद प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें कई तरह की खेल कूद प्रतियोगिताएं जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती यहां पर करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि ये मेला 1972 से शुरू हुआ था। मेले का शुभारंभ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने किया, जहां पर उन्होंने इस मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं इस मेले के दौरान आए हुए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेला और त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है और यहाँ पर हमारी प्राचीन संस्कृति की झलक लोगों को देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि यह मेला 1972 में शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन फिर से ये मेला शुरू किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेला लगातार स्थानीय लोगों की उन्नति के लिए और उनको जागरूकता प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मेले के दौरान विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, उससे किसान और बागवान जरूर लाभान्वित होंगे और इस मेले के दौरान जो खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, उसमें काफी संख्या में क्षेत्रीय युवा भाग लेंगे। धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और अपील करता हूँ समस्त जनता से कि वो बढ़ चढ़ कर इस मेले में भाग लें। और परसों हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी यहाँ आएंगे, जहाँ वो यहाँ पशु औषधालय बस्सी के भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं उस दिन इस मेले का समापन भी होगा और सहकारी जिला स्तरीय सहकारी कार्यक्रम इस दौरान होगा, इसकी वो अध्यक्षता करेंगे। एक बार फिर मैं समस्त जनता को इस मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।